हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये अभी आपके सामने जो ये फील्ड दिख रहा है, ये दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स का जो ऑर्गेनिक फील्ड है वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्च सीट के ऊपर यहाँ पर बोटल गॉर्ड यानी कि लौकी की क्रॉप लगाई हुई है और काफ़ी अच्छी क्रॉप चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लौकी का एक पौधा है जो मल्च सीट के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ वीड्स हैं और फिर आप देखेंगे तो इसके ऊपर अभी मेल फ्लावर्स आ चुके हैं और पौधा भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी दिखाई दे रहा है। और इस पूरी की पूरी मल्च सीट के ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं और ये ड्रिप इरिगेशन की मदद से लगाया हुआ है। ये दोस्तों मल्च सीट है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके रिटेन करके एक तरह से रखती है, लॉस नहीं होने देती। और इसके नीचे ड्रिप लाइन लगी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रिप लाइन पड़ी हुई है और इस पूरी की पूरे बेड के ऊपर ड्रिप लाइन लगी हुई है जो हेल्प करती है टपका विधि, जिससे फर्टिलाइजर्स या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देना चाहें वो दे सकते हैं। पर ऑर्गेनिक फील्ड में क्योंकि हम कोई न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर ऐसी सारे के सारे हमें जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं वो बायोफॉर्म में देने हैं, ऊपर से ही देने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर प्लांट्स की हो रही है, फूल भी आने शुरू हो चुके हैं और ये छोटा सा ही अभी प्लांट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फील्ड में भी अच्छी क्रॉप लेना, जैविक विधि से भी आप अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि प्रोडक्शन होगा। एक चीज़ इन्होंने और यूज की हुई है, यहाँ पर येलो स्टिकी ट्रैप्स और बीच बीच में ब्लू स्टिकी ट्रैप्स लगाए हुए हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर येलो ब्लू स्टिकी ट्रैप और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स अभी चिपके हुए हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुँचा सकते थे। पर अभी ये क्योंकि यहाँ पर इनका कंट्रोल हो चुका है तो यहाँ पर दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। काफ़ी इंसेक्ट्स या जो रस चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी फूल आने शुरू हो गए, काफ़ी अच्छी ये क्रॉप चली हुई है। तो दोस्तों ऐसी ही और अपडेट्स हम आपको टाइमली देते रहते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।